comma, like, action. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Welcome to my new video on my channel. Thank you very much for being so cooperative. और बहुत ज़्यादा मेरे मैसेजेस, वीडियोस, कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं. वीडियोस को जो व्यूज़ हैं, ऑफ कोर्स दे आर गेटिंग मोर एंड मोर. आई रियली अप्रिशिएट, तहे दिल से मशकूर हूँ मैं आप सबका जो मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं. एंड दे राइट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन. उन सारे कमेंट्स को इकट्ठा करके इंशाल्लाह आज मैं जो पॉपुलर और मोस्ट टॉप आस्क कमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई करूँगा. आपको थोड़ा सा मैं स्टार्ट पे बता भी दूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मींस आई एम नॉट ए लॉयर. मैं यहाँ पे कोई वकील नहीं हूँ. मेरा जो शोभा है वो वकालत के रिलेटेड नहीं है. मैं सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ जिसके साथ आपकी सारी की सारी यूरोपियन लाइफ कनेक्टेड, स्पेशली फॉर डॉक्यूमेंट्स, फैमिली को बुलाना, बच्चों को स्पेन में आना, स्पेन से जर्मनी में मूव होना, या क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है जॉब्स के रिलेटेड, एवरीथिंग वी जस्ट डिस्कस हियर. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेहतर है कि आप वीडियो पहले थोड़ी सी वॉच करें फिर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता होगा किस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूं. सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, मेरे हाथ में ये स्पेन एम्बेसी का जो न्यू रूल्स, न्यू उनकी रिक्वायरमेंट्स आई हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, कोविड के हवाले से. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर दूसरी ईमेल, हर दूसरा मैसेज मुझे इसी हवाले से पूछ रहे हैं मेरे जो मेंबर्स हैं. तो मैंने सोचा कि चलें आपको सारी डिटेल्स जो इनके पीडीएफ का ये एक फॉर्म है, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन में भी शेयर कर दूंगा. आपको पता चल जाएगा कि ट्रैवल करने से पहले पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सा कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए, टेस्ट की रिपोर्ट्स चाहिए, क्या चाहिए. ठीक है, वो मैं सर आपके साथ डिस्कस करूँगा. सेकेंडली, मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने पूछा हुआ है, एक नहीं है, पाँच छः हैं, मतलब वो सारे के सारे इकट्ठे करके एक ही सवाल बनता है उनका. वो यही है कि हमारे हस्बैंड हैं जो वो स्पेन में होते हैं, स्पेन में उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात ने रहमत करनी है, कोई बेबी न्यान है. उस दौरान में हम क्या तैयारी करें कि जब वाइफ के पेपर अप्लाई करने हैं तो ऑफ कोर्स इट्स बेटर टू वेट 2, 3, 4, 5 मोर मंथ्स, 4-5 महीने और इंतज़ार कर लें तो जो नया आने वाला बेबी है उसके भी साथ पेपर सबके इकट्ठे जमा हो जाएं. तो स्पेन में एक बंदे का या साथ एडिशनल जो बच्चा है उसका अगर आपने पेपर जमा करवाने हैं तो क्या फ़र्क आएगा. और थर्डली, सबसे ज़रूरी पॉइंट है, जो यूई का कार्ड है लार्गा दो रासियों का, या जो तरहेता कम्युनिटारियो है, तरहेता कम्युनिटारियो उस बंदे को मिलता है जिसके पास, मेरे वाइफ के पास अगर स्पेनिश नेशनैलिटी है तो एज ए हस्बैंड मुझे तरहेता कम्युनिटारियो मिलेगा. अगर हस्बैंड के पास नेशनैलिटी है तो जो वाइफ आएंगे उन्हें तरहेता कम्युनिटारियो मिलेगा. अगर आपने स्पेन में किसी स्पेनिश के साथ शादी की हुई है तो आपको तरहेता कम्युनिटारियो मिलेगा. अगर आपका बच्चा जो उसके पास स्पेनिश नेशनैलिटी है और वो अपने पेरेंट्स को स्पेन में जब बुलाएगा तो उसके पेरेंट्स को डायरेक्ट नेशनैलिटी नहीं दी जाएगी, सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी. नेशनैलिटी वर्ड सम टाइम मैंने कहीं पे सुना है कि जी पंजाबी वर्ड है, आई मीन पंजाबी बहुत इस्तेमाल कर दे रहे हैं, तो मैं पंजाब से इसलिए शायद मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ. लेकिन जो सिटीज़नशिप है वो ज़रा हम लोग कोशिश करते हैं कि एडवांस वर्ड ही बोलें. सिटीज़नशिप भी वही चीज़ है, शहरियत भी वही चीज़ है, नेशनैलिटी भी वही चीज़ है. तो अगर मेरे पास सिटीज़नशिप है, मैं अपने माँ बाप को ले के आता हूँ तो उनको डायरेक्ट सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी, उनको तरहेता कम्युनिटारिया मिलेगा, फिर कुछ अरसे के बाद जाके उनको सिटीज़नशिप मिलेगी. तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो मेरे पास ये एक फॉर्म एक भाई ने मुझे ईमेल में भी भेजा था और मैंने जो सेक्रेटरी दस्ताद टूरिज्म की वेबसाइट है वहाँ से भी इसका प्रिंट आउट लिया है. 7 जून के बाद जो स्पेन का रिक्वायरमेंट आया है कोरोना के हवाले से, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि आई एम ट्रैवलिंग टू स्पेन फ्रॉम यूरोपीय यूनियन. अगर तो आप यूरोपीय यूनियन के अंदर, मैं जर्मनी में रह रहा हूँ, मैं जर्मनी से अगर स्पेन जाता हूँ तो उन्होंने कहा है कि 15 दिन पब्लिश एंड अपडेट एवरी 15 डेज, हर 15 दिन के बाद ये जो लिस्ट है ये अपडेट होती रहेगी. अगर आप यूरोपीय यूनियन के अंदर अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 6 साल से प्लस जो बच्चे हैं, अगर 6 साल से छोटा बच्चा है तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन 6 साल से प्लस जो भी मेंबर है अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन शो करना है. जर्मनी में भी वैक्सीनेशन लग रही हैं हर बंदे को, बच्चों को भी उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं जो 6 साल से प्लस हैं. और जब आप वैक्सीनेट करवाते हैं तो आप ज़रूर 100% उनसे
इंटरनेशनल वैक्सीनेशन कार्ड येलो कलर की बुक सी होती है, जो मेरे भाई उम्रा करने जाते हैं या सऊदीया में, तो पता है वो एक बुखार का टीका सा लगता था, लेकिन वो वैक्सीनेशन बुक साथ प्रोवाइड करते थे। तो वो वैक्सीनेशन बुक आपको चाहिए, उसके ऊपर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड आएगा, साथ लॉट का नंबर आएगा, साथ वो बताएंगे कौन सी वैक्सीन लगी हुई है। तो प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन चाहिए 6 साल से प्लस बच्चे को। अगर आप किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं करवाना चाह रहे एंट्री पे या वापस जर्मनी आने में, ये स्पेन की रिक्वायरमेंट है, पूरे यूरोपीय यूनियन की तकरीबन ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा है, सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री ओरिजिन फ्रॉम 40 डेज ऑफ डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट डोज। अच्छा, आज मैं अगर वैक्सीनेशन करवा रहा हूँ तो मैं आज ही ट्रैवल नहीं कर सकता, जब मैंने वैक्सीनेट करवाना है उसके 14 दिन के बाद मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। 14 दिन के बाद वो मेजर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो मुझे मिलेगा वो मेरा वैलिड से सवर किया जाएगा। उसके बाद जी, वो जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें नाम लिखा हो, आपका कंप्लीट नेम लिखा हो, डेट ऑफ वैक्सीनेशन लिखा हो, कौन सी वैक्सीन है, उसकी कितनी डोजें लगी हैं, किस कंट्री में है, और उसकी स्टंप लगी हो जहाँ से आपको वैक्सीन लगी है। बिल्कुल, जो मुझे भी, मैंने वैक्सीनेशन करवाई है जॉनसन एंड जॉनसन की, मैंने ली है, वो एक ही डोज लगती है। तो वो जो बुक के ऊपर उन्होंने सारी की सारी डिटेल मेंशन की हुई है, हॉस्पिटल जहाँ पे लगी है हमें उसकी स्टैंप ही उन्होंने ऊपर लगाई हुई है। उसके बाद डायग्नोस्टिक सर्टिफिकेट है, नेगेटिव पीसीआर, पीसीआर लाइक दैट और नेगेटिव अटेस्टेशन, एंटीजन टेस्ट ऑफ दोज इंक्लूड कॉमन लिस्ट ऑफ यूरोपीय कमीशन इशूड विद इन 48 आवर्स प्रायर टू। सेकेंड आ जाता है जी, कुछ कुछ दोस्त जिनको पहले से कोरोना की तशखीस हो गई थी, वो उनके सिस्टम में है, रिकॉर्ड में है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि पीसीआर की एक तो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए, और दूसरा वो आप सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी, जिस हॉस्पिटल से आपने ट्रीटमेंट करवाया या जो भी आपका डॉक्टर है, वो आपको एक सर्टिफिकेट लिख के देगा कि मैंने रिकवर कर लिया हुआ है, इस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना के जरासीम ख़त्म हो गए हैं। वो जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी देगा उसमें भी आपका नाम लिखा हो, डेट ऑफ सैम्पलिंग, आप जब आप पहली दफ़ा पॉजिटिव हुए थे उसकी डेट हो, इशूइंग कंट्री, जिस कंट्री से सर्टिफिकेट इशू हो रहा है उसका नाम लिखा जाए। कोई भी सर्टिफिकेट स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन में, अगर इन लैंग्वेजेस में पॉसिबल नहीं है तो, अगर ये 4 लैंग्वेज में सर्टिफिकेट आपका नहीं है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, तो जिस भी लैंग्वेज में है वो आपने ट्रांसलेट करवा के स्पेनिश अथॉरिटीज़ को देना है एयरपोर्ट पे। उसके बाद उन्होंने कहा है जी, आई एम ट्रैवलिंग टू स्पेन ऑफ फॉर टूरिस्ट पर्पज़ फ्रॉम ए कंट्री दैट डज नॉट बिलोंग टू यूरोपियन यूनियन। ये आप पाकिस्तान इसमें आ जाते हैं। उन्होंने कहा है जी, यू विल हैव ए चेक लिस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कंट्रीज और लिस्ट ऑफ थर्ड कंट्रीज़। अगर तो आप इन कंट्रीज़ में से आ रहे हैं तो फिर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट और सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। वो कंट्रीज़ इस लम्हे में आज की डेट के मुताबिक कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इसराइल है, जापान है, न्यूजीलैंड है, रवांडा, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंग्लैंड, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो, चाइना और हांगकांग। अगर आप इस इलाके से आ रहे हैं तो ना आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, प्लस माइनस नेगेटिव जो भी है, और ना ही आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर आप इन इलाकों के अलावा किसी कंट्री से आ रहे हैं तो फ्रॉम 7 जून टूरिस्ट विल बी अलाउड टू एंटर इफ दे हैव सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन। ओनली अगर आपको वैक्सीनेशन लगी हुई है, आपने डोज ली हुई है वैक्सीनेशन की, तो फिर ही आप स्पेन में एंटर हो सकते हैं। और ये नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि आज आपने वैक्सीनेट करवाया है तो आप कल की टिकट करवाएंगे, आज आपने वैक्सीनेशन ली है तो आपको 14 दिन के बाद जाके फिर ट्रैवल करना है, नहीं तो आपके एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम बन जाएगी। और जो आपने वैक्सीनेशन करवाई है, उन्होंने कहा जी ये नाम है उनके, फाइजर, बायोनटेक है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनका है, जॉनसन एंड जॉनसन है, सिनोवैक है, सिनोफार्म है, ये 5-6 नाम है जिसकी वैक्सीनेशन एक्सेप्ट की जाती है स्पेन एयरपोर्ट पे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, वो कह रहे हैं जी आप जिस मर्जी कंट्री से आएँ, आप समंदर से आएँ, बाय एयर से आएँ, आप 6 साल, दोज इन ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज मस्ट कंप्लीटेड हेल्थ कंट्रोल फ्रॉम द डिपार्चर यूजिंग द वेबसाइट। एक वेबसाइट उन्होंने दी हुई है स्पेन की, ट्रैवल हेल्थ ऐप है, उसमें आपने जितना भी, भले 6 साल से कम उम्र का भी बच्चा, जितने भी मेंबर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल करने से पहले वैक्सीनेशन भी आपको हो गई है, फिर भी आपने इस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके डाटा फिल करना है, आपको एक क्यूआर आएगा, ईमेल में क्यूआर कोड होता है, आपने वो प्रिंट करना है, वो साथ रखना है, वो एयरपोर्ट पे आपसे लिया जाएगा।
उन्होंने कहा जी कि जब आप स्पेन पहुंच जाएंगे उसके बाद आपके क्या चेकिंग होंगे, क्या चेक होगा? उन्होंने कहा जी आपका थर्मामीटर से बाहर वगैरह चेक होगा और एक फास्ट कंट्रोल जो क्यूआर कोड आपने पहले से ईमेल के जरिए मंगवा लिया अगर आपके पास हुआ तो आपका प्रोसेस और ही मसलन फास्ट हो जाएगा, बाय क्रूज, बाय लैंड, बाय हर चीज़। तो ये इसका किस्सा मुख्तसर के साथ, जो उनके पास जितने भी नए बंदे स्पेन में जा रहे हैं उनको वैक्सीनेशन मस्ट हुई हो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनके पास हो, और आपने स्पेन की जो वेबसाइट बता रहे हैं वहाँ पे जाके सारी डिटेल फिल करके क्यूआर की फाइल प्रिंट कर लेनी है, वो आपने अपने पास रखनी है। तो वो जो पहले वाला, मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे यार हमने वैक्सीनेशन नहीं करवानी, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या शकूक व शुभात हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल का दौर ऐसा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर रहना है तो आपको कानून फॉलो करना पड़ेंगे, रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, आपको वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा। भले जो भी हो जाए उसके आने वाले कल का हमें नहीं पता, अल्लाह तो अक्ल करके जिसने ट्रैवल करना है वो वैक्सीनेट करवा ले, लेकिन 14 दिन के बाद जाके फिर ट्रैवल आप कर सकेंगे, उससे पहले नहीं। ये था वैक्सीनेशन के रिलेटेड। सेकेंडली हम कमेंट लेते हैं, एक सिस्टर है मेरी, उनके साथ हो भी बहुत से दोस्तों ने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है कि मैं अपने बच्चों को बुलाना चाहता हूँ, मेरी वाइफ है अभी बट शी इज़ प्रेगनेंट, और अगर मैं अभी से उनका वीज़ा अप्लाई करता हूँ या अपने पेपर स्पेन में जमा करवाता हूँ तो देर में हमारी फैमिली में एक नया मेम्बर ऐड हो जाता तो मैं क्या करूँ? सबसे बेस्ट उसका आसान हल ये है कि आप अपनी नॉमिनल उस हिसाब से पूरी करें जब तक बच्चे की बर्थ हो, सो आपको पता हो कि आपको आपके पास अब कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपका FRC बनना है, उनका पासपोर्ट बनना है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, नादरा की सारी डिटेल बननी है। क्योंकि स्पेन में जब आप पेपर जमा करवाएंगे, मकान सबसे पहला प्रोसेस है मकान लेना, मकान लेने में भी आके इन्फॉर्मो में आप ये चीज़ बताएंगे कि कौन कौन सा बच्चा आ रहा है, जिस बच्चे का नाम उस इन्फॉर्मे में भले वो एक दिन का लिखा जाएगा वो ही उसका वीज़ा अप्लाई कर सकेगा, आप उसी का केस एक्स्ट्रा एरिया में जमा करवा सकेंगे। क्योंकि जो इन्फॉर्मे आते हैं उसमें सारी डिटेल होती है कि पाकिस्तान से कितने बंदे आ रहे हैं, अब बच्चा भले एक दिन का या एक साल का वो एक फ़र्द काउंट होगा। तो कोशिश करें अगर आपकी इस तरह की कोई कंडीशन है या आपने प्लान अनप्लैंड आप नया फैमिली मेम्बर ला रहे हैं तो बेहतर है कि उसको पहले आने दें, उतनी देर में आप स्पेन में अपनी 6 नॉमिनल्स पूरी रखें, जैसे ही बच्चे की बर्थ हो उसके डॉक्यूमेंट्स बने, उसके पासपोर्ट बने, उसका FRC में इंदराज हो, आप स्पेन में अपना सारा प्रोसेस शुरू करवा दें। अगर आपने वाइफ का वीज़ा जमा करवा दिया, बाद में बच्चे की बर्थ होगी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि आपको स्पेन से दोबारा उस बच्चे का मकान भी पास करवाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एरिया से पेपर भी पास करवाने पड़ेंगे, फिर फिंगर लेटर जो आता है पेपर पास का वो आएगा, फिर स्पेन में पेपर जमा होंगे, तो वो एक स्पेन से आएगा और पाकिस्तान एम्बेसी में स्पेन वीज़ा जमा होगा, तो एक लेंथी प्रोसेस है। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा रुक जाएँ, वेट करें, जब बच्चे की बर्थ हो उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के स्पेन से सारा प्रोसेस स्टार्ट करें पाकिस्तान तक, अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद करें। उसके बाद जो थर्ड कमेंट है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वो ये है, तरहेता कम्युनिटारियो क्या चीज़ है? तरहेता कम्युनिटारियो में आके आप दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप एक यूरोपीय यूनियन सिटीज़न के फैमिली मेम्बर हैं, सो यू हैव राइट टू डू ऑल दैट। उसमें आके मैं आपसे एक बात कहूँगा कि सबसे पहले आपको समझना होगा तरहेता कम्युनिटारियो क्या चीज़ है। अगर मैं स्पेनिश हूँ, मैं अपनी वाइफ को पाकिस्तान से बुलाता हूँ, मेरे बच्चे जो 18 साल से कम है उनको तो डायरेक्ट पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन मेरी वाइफ को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उनको डायरेक्टली तरहेता कम्युनिटारियो 5 साल का कार्ड दिया जाएगा। अब वही मेरी वाइफ अगर चाहती है मैं जर्मनी में चली जाऊँ, मैं फ्रांस में चले जाऊं, मैं बेल्जियम में चले जाऊं, जाके मैं अपना काम शुरू करूं, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा लूं, तो वो नहीं होंगे अकेले। अगर मैं साथ जाऊंगा एज ए यूरोपीय यूनियन सिटीज़न, मैं जाके वहां पे अपना को काम शुरू करूंगा तो ही फिर मेरी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकेंगे। सेम वही कंडीशन है कि अगर मेरे बेटे के पास स्पेनिश नेशनैलिटी है, यूरोपीय यूनियन सिटीज़नशिप है, लेकिन मेरे पास सिटीज़नशिप नहीं, मेरे पास तरहेता कम्युनिटारियो है। तरहेता कम्युनिटारियो का मतलब होता है कि ये बंदा एक स्पेनिश नेशनल होल्डर फैमिली मेम्बर है, किसकी जो फैमिली का कोई भी एक मेम्बर है उसके पास स्पेनिश सिटीज़नशिप है। तो जिस बंदे के पास सिटीज़नशिप है उस बंदे का दूसरे मुल्क में मूव होना ज़रूरी है। अगर वो मूव नहीं होगा तो आपका कार्ड भी चेंज नहीं होगा, आप 90 डेज से ज़्यादा उस मुल्क में नहीं रह सकेंगे। कार्ड चेंज करने के लिए जिस बंदे के पास स्पेनिश सिटीज़नशिप है वो उसके लिए काम करना ज़रूरी है, यहाँ पे टैक्स देना ज़रूरी है, 3-4 महीने की उसकी लोन अब्रेशनों
nominals kehte hain wo hona zaruri hai phir ja ke aapka card jama hoga ek dafa aapko card mil jaye phir aap independently apne naam pe kuch kar sakte hain phir aapko spanish national holder ki itni zyada zarurat nahi hai yahan pe jitni ke pehli dafa hoti hai to ye sara nizam hai agar mere kisi bhai ke paas spanish citizenship hai wo germany mein move ho gaye hain unki family pakistan hai wo family ko bulana chahte hain lekin germany se hai unke paas spanish citizenship to uska hal ye hai ki aap teen nominals teen salary sheets show karenge yahan ke auslander bureau mein yahan ka extra area hai jo wahan pe aap show karenge aur makan sabse zaruri wo show karenge mere paas itni jagah hai ye mera uska contract hai ye meri salary hai same spain wala hisab hai total wo check karte hain is bande ki income kitni hai कितने पैसे ये कमा रहा है कितने बचा रहा है कितना किराया दे रहा है कितने इसको बचते हैं अगर सिर्फ वाइफ को बुलाना है आप अकेले वाइफ हैं 1600 यूरो आपको चाहिए उसके बाद जितने बच्चे हैं उनका साथ 250 यूरो ऐड करते जाएं तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके आप बच्चों को बुला सकते हैं जर्नी में आसान है स्पेन की निस्बत थोड़ा जल्दी हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जर्मनी में जब आप फैमिली बुलाते हैं तो आपकी वाइफ और 18 प्लस जितने भी बंदे पाकिस्तान से आपके बच्चे आएंगे उनको पाकिस्तान से जर्मन A1 का सर्टिफिकेट करके आना होगा और जर्मन एम्बेसी उस चीज़ का इंटरव्यू लेती है ये रिक्वायरमेंट है यहाँ की जर्मन A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट के अलावा यहाँ पर नहीं आ सकेंगे ये मेरे मेन मेन क्वेश्चंस थे बाकी फाइनली मैं आपको एक बात बताऊं बहुत से दोस्तों के वीज़े लग रहे हैं अक्टूबर के बहुत से केसेस इस हफ्ते जो पिछला गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़रों में से 10-12 कमेंट्स और इतनी ही ईमेल्स गुजरी हैं कि हमें वीज़ा मिल गया है हमारा 12, 14, 16, 18 अक्टूबर को केस जमा हुआ था मार्च में हमारा इंटरव्यू हुआ था अब हमें पासपोर्ट मिल गया है सो दैट इज़ सम गुड न्यूज़ आप कमेंट्स में जाके आपकी नज़र में भी आएगा आप एम्बेसी फोरम इस्लामाबाद गूगल में सर्च करें एम्बेसी फोरम इस्लामाबाद स्पेन एम्बेसी तो आपको वहाँ पे भी उस कमेंट्स उस पेज के ऊपर भी जो कमेंट्स मिलेंगे वो यही मिलेंगे कि हमें पासपोर्ट मिल गया वीज़ा लग गया सो दैट इज़ ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर फैमिली वीज़ा बातें इतनी ज़्यादा हैं करने वाली कि पूरा दिन बंदा करता रहे नहीं ख़त्म होती लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में इस चीज़ का हम जिक्र करेंगे कारोबार का काम का एक मेरे भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर मैं मिस्त्री आदमी हूँ पेंटर हूँ मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ मुझे जब नेशनलिटी या सिटीजनशिप मिल जाती है तो मैं क्या करूँ किस कंट्री में जाऊँ मेरे लिए बेस्ट क्या है ये चीज़ें हम अगले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे मुझे इजाज़त दीजिए मेरी वीडियो अगर आपको लाइक आई मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है आई मीन देयर इज़ सम गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू आई नीड ए गुड सब्सक्राइबर लाइक यू मुझे आपके सब्सक्राइब की ज़रूरत है मेरी वीडियोज़ को लाइक करें शेयर किया करें एंड इंशाल्लाह आई विल कीप इन टच विथ यू ऑल टेक केयर ऑफ़ यू अल्लाह ताला की ज़ात मुझे आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें एक दूसरे के लिए पॉजिटिव काम करने की हमें तौफीक दें आपको मिलूँगा मैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़